सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। एंड आज मेरे पास जो बाइक है वो है डुकाटी का नया मॉन्स्टर। एंड आई एम टेकिंग द बाइक आउट ऑफ द शोरूम फॉर अ शॉर्ट स्पिन। और यहाँ पे रोहित और कौस्तव दा प्रिपेयर हो रहे हैं मेरे बाइक पे शॉर्ट्स लेने के लिए, रनिंग शॉर्ट्स लेने के लिए, जो लोग आप देख पा रहे होंगे वीडियो के स्टार्टिंग में या वीडियो के बीच में। तो आई विल बी शेयरिंग माई फीडबैक ऑन दिस बाइक। एंड रील ऑलरेडी जो है मैंने पोस्ट कर चुका है इंस्टाग्राम पे है, तो इंस्टाग्राम का आईडी स्क्रीन पे शो हो रहा है, वहाँ पे जाकर मेरे को फॉलो कर सकते हो और देख सकते हो। बाइक जो है स्क्रैच से बना है, मतलब जो डुकाटी का पहला वाला मॉडल था उससे ये बिल्कुल अलग है। एंड दिस इज मेड कम्प्लीटली आउट ऑफ स्क्रैच एंड बहुत कुछ इस बाइक में नया है। तो मैं बाइक चलाने के बाद एक जगह पे रोकूंगा, रोकने के बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बाइक में क्या क्या नया है। और फर्स्ट गियर से ही इसका पंच शुरू हो जाता है, मॉन्स्टर तो मॉन्स्टर है। ओके, ट्रैफिक ट्रैफिक बहुत ज्यादा ट्रैफिक है यहाँ पे। डैम, रनिंग शॉट्स पे जाए तो। और आप लोग सोच ही सकते हो कि वीडियो, एक वीडियो बनाने में कितना ज्यादा मेहनत लगता है। आप देख पा रहे हो कि कौस्तव दा बैठे हैं मेरे बाइक के ऊपर शॉट्स लेने के लिए, और रोहित जो है वो मेरा बाइक चला रहे हैं ताकि अच्छा खासा शॉट मिल जाए मेरे वीडियो के लिए। अभी भी मैं फर्स्ट गियर में ही हूँ, सेकंड गियर जो है दे नहीं पाया हूँ। यहाँ पे ट्रैफिक का थोड़ा पंगा है, आज में ना ज़्यादा चांस नहीं मिलेगा गाड़ी को भगाने के लिए, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए मैंने बताया कि थोड़ा एक राउंड मार के वापस आ जाते हैं, क्योंकि क्या होगा ना, ज़्यादा ट्रैफिक है। तो उसके लिए मैंने रोहित को बताया कि यार आज यहीं पे स्टॉप कर देते हैं क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। एक टू छोड़ो। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि बाइक का फीचर्स जो है वो क्या क्या है। मॉन्स्टर के बारे में सबको बहुत कुछ पता है, मॉन्स्टर इज वन ऑफ द बाइक फ्रॉम डुकाटी दैट शेयर्स अ लेगेसी। एंड आप लोग यहाँ से देख सकते हो दिस कलर लुक्स मैग्निफिसेंट बिकॉज दिस इज़ अ डार्क स्टेल्थ ब्लैक। और मैंने थोड़ा सा ही चलाया है यहाँ से, बस थोड़ा स्पिन मार के मैं आ गया क्योंकि आज ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। तो बीच में मैं रुक गया था और मैंने रोहित को बताया कि यार आज छोड़ देते हैं, इसके बाद कभी इसको लॉन्ग में लेके जाएंगे। और एक वॉक अराउंड आप लोग देख सकते हो यहाँ से। और ये ट्रेलिस फ्रेम जो है ना, इसको हटा दिया गया है एंड इसके लिए बाइक का वेट 18 किलोज लाइटर हो गया है। और यहाँ पे जो टर्न लाइट इंडिकेटर्स आप लोगों को मिल रहे हैं, दिस लुक्स एब्सोल्युटली गॉर्जियस एंड सेक्सी। मतलब लुक एट दिस। पीछे से भी वही बैक प्रोफाइल जो है, न्यू एग्जॉस्ट लगा हुआ है। फोन टा दो कुछ शब्द, Thank you.
तो बाइक का डिटेल्स जो जो है वो ना मैंने यहाँ पे थोड़ा सा नोट डाउन करके रखा हुआ है, जो जो की हाइलाइट्स है इस बाइक का। क्यों मैंने इसको बाइक का डिटेल्स फोन में लिख के रखा है, इस बिकॉज बहुत सारा फीचर्स है बोलने को। एंड आज बहुत जल्दी है, मतलब मैं पहले एक शूट करके आ चुका हूँ, यहाँ पे दूसरा शूट चल रहा है, तो टाइम का थोड़ा पाबंदी लगा हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। तो बाइक जो है एकदम नए सिरे से बनाया गया है, हेडलैम्प विद DRL। यहाँ पे एक चीज़ देखने लायक है, ये देख सकते हो आप, ये DRL है एंड दिस इज द पास लाइट। सो हेडलाइट विद DRL एंड फ्रेम रिप्लेस हो गया है, जहाँ पहले डुकाटी में ट्रेलिस फ्रेम आता था वो ट्रेलिस फ्रेम अभी है नहीं, उसको हटा दिया गया है। उसके लिए बाइक जो है 18 किलोज लाइटर हो गया है एंड न्यू एग्जॉस्ट पाइप एज आई सेड, क्योंकि पहला वाला जो मॉन्स्टर था उसके मतलब उसके रिप्लेसमेंट में ये वाला जो एग्जॉस्ट पाइप है वो नया है। नॉट ओनली दैट, द बाइक हैज गॉट द हाइड्रोलिक क्लच, एक बार दिखा देता हूँ, दिस इज द हाइड्रोलिक क्लच, आप लोग देख के समझ पा रहे होंगे, दिस इज अ कैन एंड Ducati पावर लॉन्च कंट्रोल है इसमें, दैट इज द लॉन्च कंट्रोल। सो दिस इज Ducati पावर लॉन्च कंट्रोल एंड इसका पावर जो है दैट इज 111 bhp एट 9250 rpm एंड 93 nm ऑफ टॉर्क एट 6500 rpm। सो और मैंने बताया था कि न्यू टर्न सिग्नल्स है, यहाँ पे देख पा रहे हो, दिस इज द टर्न सिग्नल्स न्यू, यहाँ से भी सेम। एंड एक शोरूम प्राइस जो है इसका कलर के ऊपर वैरी करता है, बट 10.99 लाख इज द स्टार्टिंग फॉर द एक शोरूम प्राइस। एंड इसका तीन वेरिएंट आता है, दैट इज द Ducati रेड, एविटा ग्रे एंड डार्क स्टेल्थ। सो दिस इज द डार्क स्टेल्थ कलर एंड आई थिंक ये थोड़ा प्राइस में ज़्यादा हो सकता है बिकॉज ऑफ द कलर कॉम्बिनेशन। एंड इतना चला के मेरे को जो फील हुआ, देखो मेरा हाथ अभी भी शेक कर रहा है, क्योंकि ये फर्स्ट गियर में जो बाइट देता है ना वो बहुत ही ज़्यादा है, इट्स लाइक यू नो इट्स पुलिंग यू आउट ऑफ द बाइक। ठीक है, मतलब ऐसे ही आप थ्रॉटल को पंच करोगे एंड इट्स लाइक पुशिंग इट आउट। सो दैट्स द थिंग अबाउट दिस बाइक एंड होपफुली अगर चांस मिले तो मैं इसको लॉन्ग में लेके जाऊंगा एंड वी विल मेक अ डिटेल्ड यू नो एक्सपीरियंस सॉर्ट ऑफ अ वीडियो वेरी सून मे बी। एंड वंस अगेन, चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना, क्योंकि रील्स फोटोज सब कुछ वहीं पे मैं पोस्ट करता हूँ। सो मेक श्योर टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, द आई डी इज ऑन द स्क्रीन एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस। और तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन कोरोना का सिचुएशन चल रहा है तो घर पर रहो, सेफ रहो, एंड अगर बाहर जा रहे हो तो राइड सेफ, राइड हार्ड, टेक केयर, बाय बाय, आई विल सी यू गाइस सून इन द नेक्स्ट ब्लॉग।